तो देखे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हो रहा है? घोर पाप। अरे क्या हुआ? अरे आप नहीं देखे? अभी अभी उच्ची रही और शेखर बाबू साथे साथ गए थे। हम देखे थे, कहीं गए होंगे तो? देखे थे तब फिर जारा का बर्तन की तरह ठंडी काहे बैठी है? नहीं देखी थी कैसे दोनों सट के बैठे थे? वो तो हम नहीं देखे थे। ये सभी तब बात है सत्यानाश। हवेली से बाहर निकलते ही अपना रंग दिखाने लग गई थी। उसे शेखर बबुआ को कहीं दूर ले जाएगी। अकेले शेखर बबुआ को अपने तरीके से समझाएगी बुझाएगी और बाद में अपने मुट्ठी में ले लेगी। फिर ना कहना कि गंगिया तूने काहे नहीं बताया। लेकिन हेमा हम का करे? अरे उस सत्यानासी को बोलो तमीज से रहे। आप लगता है ध्यान नहीं दे रही, कैसी बैठी हैं जैसे कोनो चिंता ही नहीं। अरे चिंता की बात काहे नहीं है, पूरी जिंदगी कोठरिया में बिताने का इरादा नहीं है हमरा। हम जो कहेंगे वो करेंगे? हाँ करेंगे। चलो मंदिर आ गया। हाँ? ठीक है छोटे ठाकुर। काहे? हमारा मंदिर तो बस यही है। मंदिर आना चाहती थी काहे लिए, जब अंदर ही नहीं जा सकती? सब चीज इंसान के हाथ में कहाँ होता है छोटे ठाकुर। इच्छा है तो अधिकार नहीं, अधिकार है तो प्यार नहीं। भगवान तो सबके दिल में ना है, लेकिन इंसान उनको मंदिर में कैद करके रख देता है, हर लोगों को उनसे मिलने से रोकता है। वो तो बिना भेदभाव के हम सबको बनाते हैं, फिर का आप और का हम। उनसे मिलने से कोई किसी को कैसे रोक सकता है? क्या जमाना आ गया है, मंदिर आओ तो भगवान से पहले नीच जात का दर्शन करना पड़ता है। अरे इन लोगों को मुंह लगाओगे तो यही तो होगा, लोगों का घर तो गंदा किया ही हुआ है और अब मंदिर भी नहीं छोड़ेंगे। काहे सोच रहे हैं आप? समाज का कायदा कानून यही है, आप ऊपर जाइए हम यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। दर्शन करने गए नहीं का छोटे ठाकुर? तुम्हारे लिए भगवान मंदिर के भीतर भी हैं और बाहर भी, तो का हमारे लिए दूसरे भगवान है का? हमारा काम भी यहीं से हो जाएगा।
अरे वो आदमी लोग वो गाय लाए का जो जो, जो बीमार थी। हाँ हाँ अभी ही आए हैं। अच्छा और वो बकरी का बच्चा का नाम था रे उसका हरी प्रसाद। हरी प्रसाद कैसा है वो? बहुत ही बढ़िया है छोटे ठाकुर। एक बात बताएं जमी, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो ओकरे पीछे दौड़ते दौड़ते। हम का करें छोटे ठाकुर, बहुत नटखट हो गया है। दिन भर चारों तरफ हमको अपने पीछे पीछे दौड़ाता रहता है बदमाश। सुनो सुनो तहा के रख देना। हाँ जी। अरे सुनो रिद्धिया सीधे के पापा को बोले तैयार होके नीचे आने के लिए? जी हाँ बोल दिए, बस वो खाना खा के आ रहे। अरे खाना खा के आ रहे, यादव जी का नया घर देखने जाना है, देरी हो जाएगी, हमें को जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं। अरे क्या कह रही है, रुको मिठाई लाए हैं, हाँ चख लो। नहीं। अरे नहीं कहा, बहुत है बढ़िया मिठाई है, चख के जाना। चल ओकरे चल, ओकरे चल। मिठाइयां तो खाती जा। सत्यानाश ही तो बहुत बढ़िया है। छोट की दुल्हन वो सत्यानाश चिराई और शेखर बबुआ के खिचड़ी खराब करेगी, और यहाँ छोटे ठाकुर और हमरी पूछा जमनी इनकी चोरी जमेगी, और हम गंगिया ये हवेली का सबसे ऊंचा छज्जा में बैठ कर चाह पिएंगे। बर्तन पटकने में लगी हो, वहाँ रात ही खाने की तैयारी कौन करेगा? बस करवा ली, हम तो आप सही पूछ रहे आए थे कि आलू बनाए। हाँ बना दो, और भिंडी साथ में, भिंडी लग गए, भिंडी बना दो साथ।